पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी महानगर जी के नेतृत्व में जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री यहां पर आए थे, उन्होंने फर्जी घोषणा कर दी। जिला प्रशासन ने फर्जी घोषणा करी थी कि 1700 लाभार्थियों को चाबी दी जाएगी, सिर्फ मात्र 5 लोगों को उसमें मकान की चाबी दी गई। उसी के खिलाफ हमारी मांग है कि सभी जितने 1700 लोगों को बुलाया गया था और उनको लाभार्थी में चयन किया गया था, सबको मकान दिए जाएँ और उनको चाबी दी जाए। और जो यहाँ मुरादाबाद के अंदर MDA द्वारा छोटे छोटे मकानों में 50-50 100-100 गज के लोग जो मकान बना रहे हैं अपने, उन्हें ध्वस्त करने का काम कर रहा है MDA, ये गलत है। तो बहुत पुराने 10-10, 15-15 साल से बने हुए मकान हैं, जब MDA कहाँ गए थे, जब इनके JE कहाँ गए थे, जब इनके अधिकारी कहाँ गए थे, जब वो बनने थे दुमझले बन के तैयार हो गए हैं और आज तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आज कौन सा नया कानून आ गया है, नया कौन सी चीज़ ऐसी आ गई है जिससे वो मकान अवैध हो गए हैं और जब वे उस समय वैध थे जब बनने थे। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी के सब वर्कर, सब कार्यकर्ता, पदाधिकारी इकट्ठा हैं और कमिश्नर साहब को हम MDA के BC के खिलाफ आज ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। जो बनिए हैं ये फर्जी घोषणा करिए, फर्जी इस तरीके से अवैध मकान जो बता रहे हैं, ये सब यही हो रहा है। इसी के लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए हमने ज्ञापन दे रहे हैं, जो गरीबों की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। सिर्फ जो बड़े लोग पैसे दे रहे काम कर रहे हैं वो ही हो रहा है। ये सरकार की और जिला प्रशासन की कमी है, इनकी वजह से ही मकान ना मिल पाए। चाहे MDA की लापरवाही समझो और जो मुख्यमंत्री फर्जी घोषणा करके गए हैं वो आप देख रहे हैं क्या है। आज तक लाभार्थी परेशान हैं, आपके सामने भी रोए हैं, आपने भी वीडियो जारी करी है उनके रोते हुए बिलखते हुए पूरे परिवारों के साथ, तो ये तो आप खुद गवाह हैं। तो इसी को लेकर हमारा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का, महानगर अध्यक्ष जी का, सबका यही है कि गरीबों को जो उन्हें किस्त दे रहे हैं उनको कम से कम मकान मिले और अपने मकानों में जाके सुरक्षित रहने का काम करें, यही हमारी मांग है समाजवादी पार्टी के लोगों। मैं श्री गुल, मैं महिला सभा महानगर की समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हूँ और मैं पार्षद भी हूँ 857 से। आज हमारे महानगर अध्यक्ष शाने अली और शानू जी के नेतृत्व में सारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अध्यक्ष सब आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज हम जो है कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं, जो कि ये योगी जी और इनके भाजपा घोषणा कर रही है कि 1744 मकान जो है दे दिए गए हैं, जबकि बिल्कुल झूठ है। 5 चाबी वो भी कागज़ की लोगों को थमाई गई है और कुल 1000 मकान बने हैं और घोषणा करी गई है 1744 की। और देखिए ऐसे हम पार्टी के, ऐसे योगी की, ऐसे मोदी की मैं निंदा करती हूँ अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से। अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने चाहा तो 2022 में हमारी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और एक एक इंसान को, एक एक पब्लिक को और मुख्य अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एक एक इंसान को हम जो कि लाभार्थी है उन्हें हम मकान इंशाल्लाह ताला दिलवाएंगे। ऐसा झूठा वादा हमारे मुख्यमंत्री नहीं करते, हमारी समाजवादी पार्टी ऐसे झूठा वादा नहीं करती। देखिए एक पेज के ज्ञापन आ रहे हैं और वो गरीबों के पैसों के आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं भाजपा वाले और पैसा किसका है, गरीबों का। ऐसी सरकार की निंदा करते हैं भाजपा, हाय हाय मोदी, हाय हाय योगी जी, हाय हाय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, महानगर अध्यक्ष शानू जी जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद, जयवीर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं वो लोग तो नहीं है, आपने तो उनके फोटो वगैरह लिए हैं, रोते बिलखते हुए घर गए हैं। पहले वो लोग हमारे पास, हमारे महानगर अध्यक्ष जी के पास आए कि हमें न्याय चाहिए, हमारे पर आवाज़ उठाइए कि हमें न्याय दिलाइए, हमें चाबी दिलाइए, जो हमारा नाम है लिस्ट पे, हम किस्तें दे रहे हैं तब भी हमें मकान नहीं मिल रहा, ये कैसा न्याय है। आप हमारे साथ आइए तो हमारी सारी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। नहीं उन्होंने तो अपना आके, उनकी तरफ से तो हम आए हैं, उन्होंने तो अपना मांग रख दी, अब बाकी जो कार्यवाही करनी है हमारे समाजवादी पार्टी को करनी है। इंशाल्लाह ताला हम जो है एक एक लाभार्थी को मकान दिलवा के रहेंगे, ऐसी मैं इंशाल्लाह ताला घोषणा करती हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। अल्लाह हाफिज। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।